सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, हो करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। तो जैसा कि आज वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे वीडियो किस बारे में है, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मैंने 3 प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे जो आ चुके हैं, तो चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ये है लिक्वी मोली का इंजन ऑयल फ्लश, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है इंजन फ्लश शूटर। और दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मैं चलता हूँ और आप लोग को बता देता हूँ। ये देख सकते हैं लिक्वी मोली का इंजन ऑयल 10W40 स्ट्रीट रेस, 1 लीटर का पैक है ये। और तीसरा प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है वो देख सकते हैं आप, ये है MOS2 शूटर ऑयल एडिटिव लिक्वी मोली का। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये है लिक्वी मोली का इंजन फ्लश। तो इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसका फंक्शन हमारी बाइक में ये रहता है, हमारी बाइक जब चलती है तो उसमें उसके इंजन में थोड़ा वेयर एंड टेयर होता रहता है। तो उससे थोड़ा क्या होता है कि हमारे इंजन में कार्बन पार्टिकल्स और मेटल पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, थोड़ा स्लश आ जाता है। तो शूटर का काम जो है वो हमारे इंजन की जितनी भी आप कह सकते हैं गंदगी है या जितना भी स्लश कार्बन पार्टिकल्स होता है और स्मॉल मेटल पार्टिकल्स होता है उनको ये निकालने का काम करता है, बेसिकली हमारे इंजन को ये क्लीन करता है। तो और मैं बता दूँ शूटर किसको यूज़ करना चाहिए किसको नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी बाइक एकदम नई है, सिर्फ 8000 या 10000 चली है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ना यूज़ करें। आपकी बाइक कम से कम मिनिमम 15000 या 12000 क्लॉक कर जाए, 12000 क्लॉक कर जाए तभी आप इसको यूज़ करें। और आपको हर सर्विस पे नहीं इंजन फ्लश करवाना है, मिनिमम आपको फिर से 12000 या 15000 अपने बाइक को चला लेना है, फिर आपको इंजन फ्लश की ज़रूरत पड़ेगी। और चलिए मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट के बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है लिक्वी मोली का 10W40 स्ट्रीट रेस इंजन ऑयल। ये एक हाई परफॉर्मेंस इंजन ऑयल है, फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल जो कि लिक्वी मोली अपने ये बेसिकली रेसेस में यूज़ किए जाते हैं। तो काफ़ी लोग कहेंगे कि इतना महंगा ऑयल डालने का छोटी सीसी सेगमेंट की बाइक में कोई मतलब नहीं है। तो इसका आपके बाइक में यूज़ है या नहीं है, मैं इसके बारे में ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और तो चलिए अब मैं आपको एक तीसरे प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं लिक्वी मोली का MOS2 शूटर। तो इसका बेसिकली हमारे बाइक में फंक्शन ये रहता है कि जब हम इसको इंजन ऑयल के साथ ये मिक्स करना है तो हमारे इंजन में ये बेसिकली एक कोटिंग की तरह फॉर्म कर लेता है। और थोड़े जो वेयर एंड टेयर्स होते हैं जब हम लोग गाड़ी को बहुत हाई स्पीड में या बहुत रफ चलाते हैं तो उनको ये प्रोटेक्ट करता है और हमारे इंजन को स्मूथ कर देता है। और चलिए आगे आपको प्रोसेस दिखाते हैं। गाइस आपको इंजन फ्लश करना कैसे है मैं उसका प्रोसेस बता देता हूँ। तो ये है लिक्वी मोली का इंजन फ्लश, और लिक्वी मोली जो है 1 लीटर में ये पूरा आपको 80 ml रिकमेंड करता है। ये 80 ml का बॉटल है, देख सकते हैं आप, इसको पूरा आपको डालना है। और मैं पहले भी आप मेरे वीडियोस में देख चुके होंगे कि होंडा शाइन में जो है वो 900 ml रिकमेंडेड रहता है, लेकिन मैं 1 लीटर डालता हूँ। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। और ये रहा हमारा इंजन फ्लश, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसका नोजल टाइट कर देते हैं हम लोग। तो अब आपको करना क्या है, बाइक को आइडलिंग पोजीशन में आपको स्टार्ट करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो मैं न्यूट्रल कर लेता हूं पहले। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने न्यूट्रल करके बाइक को स्टार्ट कर दिया है। और तो चलिए 10 मिनट तक इसको आइडलिंग पोजीशन पे छोड़ देते हैं। आपको इसको बिल्कुल भी चलाना नहीं है, थ्रॉटल नहीं देना है, बस 10 मिनट आपको इंजन फ्लश डाल के छोड़ देना है ताकि ये इंजन के कंपार्टमेंट में पूरी तरह से चला जाए और आपके इंजन को प्रॉपरली क्लीन कर दे। आप लोग यहाँ पर टाइम देख सकते हैं 4:08 हो रहा है, तो हम लोग इसको 10 मिनट के लिए एग्जैक्टली छोड़ देते हैं आइडलिंग पोजीशन पर। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से 10 मिनट बाद। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 4:18 हो गए हैं, तो 4:08 पे हम लोगों ने अपना इंजन स्टार्ट किया था फ्लश के लिए। तो चलिए अपने इंजन को कर लेते हैं ऑफ और ऑयल को कर लेते हैं हम लोग ड्रेन। को ड्रेन करने के लिए इसमें 12 नंबर का स्पाइनर लगेगा, तो आप स्पाइनर से भी इजीली खोल सकते हैं। तो मेरे पास स्पाइनर नहीं है तो मैं दूसरे टूल से खोल रहा हूँ। तो चलिए इसके इंजन ऑयल को निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हम लोग का इंजन ऑयल
कितना काला हो चुका है और पूरा हम लोग का ये इंजन क्लीन हो चुका है और कितना मतलब देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा इंजन में स्लश और कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं, तो इनको देखिए ये पूरा क्लीन कर दिया, एकदम इंजन ऑयल ब्लैक हो चुका है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो इंजन ऑयल है वो पूरा ड्रेन हो चुका है पूरी तरह से, और देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा ब्लैक हो चुका है इस बार। और चलिए तो इस बोल्ट को कर देते हैं टाइट। और आप देख सकते हैं एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आप देख सकते हैं कि ये जो इंजन ऑयल है वो बहुत इस बार मेरे बाइक से कम निकला है, लगभग आप 600 ml के करीब निकला है, और जबकि 1 लीटर मैंने डाला था। तो चलिए इसके कम होने का मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ। मेरा इंजन ऑयल का लेवल जो है वो काफ़ी कम हो गया था। कम किस लिए हुआ था मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके पहले जो मैं इंजन ऑयल यूज़ कर रहा था वो मोटुल का 5100 यूज़ कर रहा था, जो एक सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है। और मेरा मानना ये है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये है कि जब आप बाइक में जो सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ करते हैं या सेमी सिंथेटिक या हायर ग्रेड के सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं, वो टाइम के जो अगर जैसे जैसे हम लोग बाइक चलाते रहते हैं उसमें जो काफ़ी ज़्यादा एडिटिव्स होते हैं सिंथेटिक इंजन ऑयल में, तो वो थोड़ा थोड़ा कम्बस्चन चैम्बर में जाके बर्न होते रहते हैं, तो इसीलिए इंजन ऑयल जो है वो उसका लेवल कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा फिर भी 100 ml अपने बाइक में एक्स्ट्रा इंजन ऑयल डालता हूँ। होंडा शाइन में जो रिकमेंडेड है वो 900 ml है, फिर भी मैं पूरा 1 लीटर डालता हूँ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मोटुल 5100 भी मैं यूज़ कर रहा था तो काफ़ी मतलब मैं उससे इंप्रेस्ड था। इसके पहले स्टार्टिंग में मैं अपने बाइक में मोटुल 3000 यूज़ करता था, फिर उसके बाद मैं 3000 का जो मैं चेंज इंटरवल पीरियड में आपको बताता था, मैं उसे 1000 किलोमीटर के लगभग चेंज कर देता था मेरे कंडीशन के हिसाब से, जिस हिसाब से मैं बाइक चलाता हूँ बहुत रफ़, वो पूरा इंजन ऑयल जो है मोटुल 3000 1000 किलोमीटर पे मेरे बाइक में वो एकदम ख़त्म हो जाता था। उसके बाद मैंने 3100 पे शिफ्ट किया और 3100 का भी परफॉर्मेंस मुझे कुछ खास उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब से मैं मोटुल 5100 यूज़ कर रहा था लास्ट 6 मंथ से अपनी बाइक में, और उस पर मैंने मोटुल 3100 तो मैंने करीब 1400 से 1500 किलोमीटर पे चेंज कर दिया था, वो भी 1400 किलोमीटर तक चला गया था। लेकिन मोटुल 5100 मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरा इस पर 3000 किलोमीटर क्लॉक किया है, और क्या मतलब परफॉर्म की है मोटुल 5100 भी, बाइक मेरी बिल्कुल भी ओवरहीट नहीं करती थी। मैंने इसे आप देखते ही हैं मैं इससे काफ़ी ज़्यादा ड्रैग रेस करता रहता हूँ, और भी मैंने थोड़े ट्रिप्स भी मारे हैं। और मैंने कंटिन्यू जब मैं यहाँ से मिर्ज़ापुर गया था विंध्याचल, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैंने कंटिन्यू हाईवे पे इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए कंटिन्यू मैंने इसे 100 और 110 लगातार चलाया है, फिर भी मेरी बाइक ओवरहीट नहीं की है। तो यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रफ़ चलाते हैं बाइक को तो तभी आप मतलब सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ करें जो आपके लिए वर्थ रहेगा, और नहीं तो अगर आप बहुत नॉर्मल चलते हैं तो छोटे सीसी सेगमेंट के बाइक में आप मिनरल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, और न जाने वो दिन कब आएगा जब मैं कहूँगा कि हाँ ये एक पेड प्रमोशन है। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। तो गाइज ये रहा लिक्विड मोली का 10W40 स्ट्रीट रेस इंजन ऑयल, और ये 1 लीटर का पैक है, तो मैं इसमें 1 लीटर पूरा डालूंगा। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। और लिक्विड मोली में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि इन्होंने ये देखिए ये स्ट्रॉ दिया हुआ है, तो इससे आपका मतलब एक बूंद भी जो है वेस्ट नहीं होगा ये इंजन ऑयल। तो चलिए इसको डाल लेते हैं इंजन में। तो गाइस इंजन ऑयल अब हम लोगों ने डाल लिया है, अब बारी है हमारे ऑयल एडिटिव की MOS2 शूटर। तो ये 20 ml का पैक है और आपको 1 लीटर में ये पूरा डालना है, तो चलिए इसको भी हम लोग डाल लेते हैं। गाइस अब आप लोग को जो है बाइक को 10 मिनट तक आइडलिंग पोजीशन में स्टार्ट करके छोड़ देना है, ताकि जो इंजन ऑयल है बाइक में वो पूरी तरह से प्रॉपरली सर्कुलेट हो जाए। तो गाइस चलिए अब मैं आपको ट्रिप ज़ीरो करके दिखा देता हूँ, और ये देख सकते हैं ट्रिप ज़ीरो हो गया है, मेरी बाइक जो है एग्जैक्टली 36,645 किलोमीटर चली है। तो मैं इसका अब एक जो जेन्युइन रिव्यू है वो एक कम से कम मैं इस पर जब तक 80 या 100 किलोमीटर नहीं क्लॉक कर सकता तो मैं नहीं बता सकता। तो जैसे ही मैं इस पर 80 से लगभग 100 या 200 किलोमीटर क्लॉक कर लूँगा
तो मैं आपको ये रिव्यू दूंगा कि लिक्विड मोलीज क्या इसमें इसका थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है नहीं हुआ है। 2000 years later. So guys, लगभग एक हफ्ते बीत चुके हैं और मेरी बाइक जो है लगभग 70-80 किलोमीटर चल चुकी है। तो चलिए पहले आप लोग को मैं अपनी बाइक का मीटर दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बाइक मेरी एग्जैक्टली 76 किलोमीटर जो है वो क्लॉक कर चुकी है। तो बेसिकली जो लिक्विड मोली यूज़ करने के बाद जो मैं डिफरेंस फील किया हूँ मैं अभी बताऊँगा आप लोग को। तो गाइस जो मैंने मेजर डिफरेंस फील किया है लिक्विड मोली डालने के बाद, तो चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जैसे ही आप लिक्विड मोली डालने के बाद अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो थोड़े टाइम बाद जो पहले आपके इंजन से मेरे इंजन से जितने भी नॉकिंग साउंड्स आते थे जो थोड़े बहुत हल्के फुल्के, अब वो भी एकदम ख़त्म हो गए हैं। बाइक जब स्टार्ट होती है तो वो एकदम साइलेंट स्टार्ट होती है, और अगर आप इंजन को रेव करते हैं तो प्योर आप इंजन में से सिर्फ आपको एकदम प्योर रेव की रेव करने की साउंड ही आएगी, और बाकी जितने भी नॉकिंग साउंड थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है, गियर शिफ्टिंग जो है वो बिल्कुल ही स्मूथ हो गई है। मतलब जस्ट एक टैप पे ही मेरा गियर शिफ्ट हो जाता है। इनफैक्ट अगर मैं क्लचलेस शिफ्ट भी करता हूँ तो देखिए कितनी स्मूथली ये शिफ्ट हो जा रही है गियर। वहीं बात कर ली जाए कि परफॉर्मेंस में कोई मेजर चेंज आया है कि नहीं, तो मैं पहले भी आप लोग को बता दूँ कि लिक्विड, आप ये मत सोचिए कि आपकी बाइक जो है लिक्विड मोली डालने के बाद भाई एकदम रॉकेट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गलत फहमी में आप लोग बिल्कुल भी ना रहें। हाँ, थोड़ी जो इनिशियल मैं सिटी में इसको 80-90 तक मैं ले गया हूँ, अभी हाईवे पे मैं नहीं गया हूँ, तो मैं इतना बता सकता हूँ। हाँ, इनिशियल में आपको जो है पंच है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, आपको जो डिफरेंस है वो नोटिस करने को मिलेगा ज़रूर। और बाइक आपकी जो है वो बिल्कुल स्मूथ चलती है, बाकी जितने भी वाइब्रेशन है वो बहुत हद तक कम हो गए हैं, और मेरे बाइक में वैसे भी उतने ज़्यादा वाइब्रेशंस पहले से भी नहीं थे, और जो थोड़े बहुत थे ओवर द टाइम वो भी अब कम हो चुके हैं। और बाइक की मतलब परफॉर्मेंस समझ में आ रही है, जो पहले जैसी थी जो थोड़ी बीच में डाउन हो गई थी तो वो एकदम रिकवर हो गई है। तो चलिए, होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नया तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।